कहां से ले लिया आशीर्वाद। अच्छा बच्चों, ये मेरी तरफ से। थैंक यू दादाजी। भैया डी ये ले। अरे चाचा जी, बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन हम लोग तो बड़े, हमको देने का जरूरत नहीं है। अरे सब लोग शांत हो जाओ भाई, अरे मना नहीं करते। अरे ये तो शगुन है, और वैसे भी मैं कहाँ ज्यादा दे रहा हूँ, सिर्फ 11 रुपए ऐसा दे रहा हूँ, मना नहीं करते। एक रुपए का नोट कितने टाइम से नहीं देखा ना। वाह वाह, हमारे जमाने वाला नोट मिल गया मुझे। बच्चों, ये शगुन के पैसे बहुत लकी माने जाते हैं, इसे हमेशा संभाल के रखना, ठीक है? हाँ बच्चों, बुजुर्गों से प्राप्त हुई ये लक्ष्मी जो होती है बहुत लाभदायी होती है। सही बात है। पापू जी, आपने सबको ये शगुन की लक्ष्मी तो दे दी, लेकिन अभी आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इस घर की जो लक्ष्मी है वो जल्दी वापस घर आ जाए। हाँ। अरे आ जाएगी जेठा, बहुत जल्दी आ जाएगी, आज सुबह ही मेरी बात हुई है उससे। हाँ पापा, मम्मी ने मुझे भी यही कहा कि वो जल्दी से वापस घर लौट आएगी। हाँ नहीं, वो तो बेटा सुबह मेरी भी बात हुई तो मुझे भी उसने वही बोला, लेकिन अभी नवरात्रा में आने वाली थी, आई नहीं, तो मुझे लगता भगवान आजकल मेरी प्रार्थना सुन तो नहीं रहे, शायद बापूजी प्रार्थना करे तो कुछ चमत्कार हो जाए। अरे भाई आ जाएगी जेठालाल, दया भाभी भी आ जाएगी, अभी तुम खुश रहो और त्योहार का आनंद उठाओ। yes! तो बेटा सबका मुंह मीठा करो। हाँ हाँ दादाजी, एक मिनट। अरे वाह, चलो सबका मुंह मीठा हो गया, अभी मस्त सब मिलके गुजराती नाश्ता करते हैं। मठिया ने ओ चोड़ा फड़ी ने ओ घुघरा। घुघरा ये क्या होता है? अरे घुघरा एक प्रकार की गुजराती मिठाई है यार भाई, बहुत जबरदस्त होती है। यार हर साल यही सवाल पूछते हैं, घुघरा क्या होता है, भूल ही जाता है वो गुजराती मिठाई। यार साल में एक बार आती है ना दिवाली, भूल ही जाता। उसके साथ वो छोटे छोटे शक्कर पारा भी है, फिर वो अपना मकई का चिवड़ा है, नान खटाई है, जबरदस्त नाश्ता है सब। अरे जेठा अंकल, आप तो एक्सेलेंट माइंड ब्लोइंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन हो। जेठा अंकल, अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मुझे जल्दी जल्दी से चीजें खानी है। नान खटाई का नाम सुन के तो मेरे मुंह में पानी आ गया। और मेरे भी भाई, मकई का चिवड़ा खाना तो दूर, मुझे तो सूंघे हुए भी कई साल हो गए। अच्छा क्या कहा आपने? नहीं मैं तो मैंने अरे मैं तो ये कह रहा था भाई कि गुजराती व्यंजनों और फरसाण का अगर सबको स्वाद उठाना है तो फिर जैसा सब ठीक समझे, मेरा कोई आग्रह नहीं है। नहीं कुछ भी कहते हैं आप तो यारो, हो जाए चटपटा गुजराती फरसाण का नाश्ता। हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल हो जाए। वाह वाह, ये तो देखते देखते प्रोग्राम बन गया। नहीं पर दया भाभी ने ये तो नाश्ता किसने बनाया जेठा भाई? माधवी भाभी खुद, दया ने बनाया है अपने हाथों से। और अहमदाबाद से खास हम सब के लिए भेजा है। वाह दया आंटी के हाथ का फरसान, फिर तो बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। अरे मजा ही मजा आएगा, आप लोग बैठिए, सबके लिए मैं नाश्ता लेके आता हूँ। अरे जेठा जी, आप अकेले क्यों तकलीफ ले रहे, हम महिला मंडल है ना आपकी मदद के लिए। मैं आप सबके लिए मसाला दूध बना कर लाता हूँ। दुकान के लिए आज भी दुकान चालू है। अरे वो क्या है ना यार बेटा, कि आज साल का पहला दिन है ना, तो आज के दिन सब व्यापारी सिर्फ मुहूर्त का सौदा करने के लिए दुकान खोलते हैं, फिर सीधा लाभ पांचम में दुकान खोलते हैं। अच्छा जा, ओके ओके, जय जिनेंद्र बाबू, जय जिनेंद्र बाबू, ओके बाय बाबू।
हाँ मिलते हैं शाम को। हाँ अरे सबको साल मुबारक करने में लेट हो गया। नटू का कर भागा का अभी तक फोन नहीं है। वो दुकान पहुंचा क्या नहीं कि उनको भी लेट हो गया। हेलो हाँ नटू काका। हेलो हेलो लगता है नटू काका का फोन बिगड़ गया है। बागा को करता हूँ। नटू काका नटू काका सेठ जी का फोन अब मुझे आ रहा है। डू द सेम जी। हाँ सेठ जी। हाँ बागा। हेलो बागा। बागा का फोन भी बिगड़ गया क्या? बागा के फोन में से भी सेम आवाज आ रही है कि मेरा फोन बिगड़ गया। दुकान के लैंडलाइन पे ट्राई करता हूँ। अरे दुकान का फोन भी नहीं लग रहा। अरे ये क्या हो रहा है भाई? नए साल के पहले दिन कोई नया टेंशन मेरा स्वागत करना तो नहीं खड़ा है? जल्दी दुकान पहुंचना पड़ेगा। अब देखना बग्गा सेठ जी दौड़ते हुए दुकान आएंगे। हाँ और आते ही हम उनका मस्त स्वागत करेंगे। यस। लेकिन नटू काका हमने सेठ जी के साथ ऐसी मस्ती की है तो सेठ जी हम पे गुस्सा तो नहीं होंगे ना? गुस्सा होंगे क्यों नहीं होंगे। गुस्सा करने का उनका पूरा अधिकार है। वो सेठ जी है। कमाल है नटू काका। तो फिर आपने सेठ जी के साथ ऐसी मस्ती क्यों की और मुझे भी करवाई? सेठ जी वैसे भी दुकान तो आने ही वाले थे। अगर हम ऐसी मस्ती नहीं करते तो वो दुकान में कितने अच्छे मूड में आते। अब पता नहीं क्या होगा। डोंट वरी बागा बॉय व्हेन नटू इज हियर डोंट फियर। जो तय हुआ है ना उस हिसाब से करता जा। मैं सब संभालूंगा। पक्का? पक्का 100%। ठीक है अब मस्ती का आटा गूंद ही लिया है तो रोटी भी सेक ही लेते हैं। जो होगा देखा जाएगा। नटू काका रुक जाइए। सेठ जी यहीं पे रुक जाइए। बागा स्टार्ट। बा अदब बा मुलाइजा होशियार गना सल्तनत के शहंशाह खुशियों के धनी व्यापार के गुणों के गुणी सम्राट जेठालाल चंपकलाल गड़ा पधार गए हैं। ये एक मिनट ये क्या है? कुछ मत बोलिए प्लीज कोऑपरेटर। बागा कैरी ऑन जी। क्या है ये सब? देखिए बस देखते जाइए। सेठ जी रेडी? आइए पधारिए हमारे सेठ जी गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आप है तो हम हैं और ये दुकान है व्यापारी मंडल की अनोखी शान है। नाउ यू मे प्रोसीड। आइए आइए आप बिना शुभ कदम पाणो आपनी ज दुकानी माँ आपनी परछाई थी हमें घणो घणो सीखिया आपना शुभ कदम पाड़ो ने। नटू काका साल मुबारक। साल मुबारक सेठ जी। अरे क्या कर रहे नटू काका? आप मेरे ओडिल है मुझे आपके पैर छूने चाहिए। अरे सेठ जी आप हमारे अन्नदाता है। नहीं नहीं नटू काका सबका अन्नदाता एक ही है ऊपर वाला बाकी कोई किसी का अन्नदाता नहीं है। आप भले मिलो नटू काका। साल मुबारक। साल मुबारक आगा आजा आजा साल मुबारक। साल मुबारक साल मुबारक साल मुबारक साल मुबारक भाई साल मुबारक साल मुबारक साल मुबारक। सेठ जी कैसा लगा हमारा स्वागत? जोरदार मजा आ गया। थैंक यू थैंक यू। ओहो कुलदीप भाई साल मुबारक साल मुबारक। चम से बताऊं डेमा मजा मो
અને મહેન્દ્રભાઈ હસમુખભાઈ શું કરે છે? બધાને મારી યાદ આપજો, પછી આપણે શાંતિથી વાતો કરીએ. અને હોભળો બધાને મારા તરફથી સાલ મુબારક કહેજો, અને બાગાએ ખાસ કહેવડાવ્યું છે બધાને સાલ મુબારક. પછી આપણે શાંતિથી વાતો કરીશું. હા, જય લાખેશ્વર. આપકા ફોન ચાલ રહા હા કમાલ, મને આપકો ફોન કિયા સોસાયટી મેં સે, તભી પતા નહીં કુછ અજીબ અજીબ આવાજ આ રહી થી, ફિર બાકા કો ફોન કિયા બાબા, તો ઉસકે ફોન મેં સે ભી એસી કુછ અજીબ અજીબ આવાજ આ રહી થી, ફિર દુકાન કે ફોન મેં ફોન કિયા તો બંધ આ રહા થા. અરે સેઠ જી, સારે ફોન બરાબર ચલ રહે હૈ, આપને જબ હમે ફોન કિયા તબ હમને મુસે કિયા થા. લે ક્યું? નિર્દોષ મસ્તી. હા સેઠ જી, હલકા ફુલકા મજાક. સેઠ જી, એક ફિલોસોફર ને કહા હૈ કે નેવર લેટ યોર ઇનર ચાઇલ્ડ ડાઈ, મતલબ આપકે અંદર કે બચપને કો કભી મરને મત દીજીએ. હા સેઠ જી, બડે સયાને કહે કે ગયે હૈ ના કે નયે સાલ કા પહેલા દિન અગર હસી ખુશી બીતે તો પૂરા સાલ ખુશ ખુશાલ જાતા હૈ. વો બરાબર હૈ બેટા, લેકિન ધંધે કી દુનિયા મેં અગર આપ ચાહતે હો કે પૂરા સાલ આપકા ધંધા અચ્છા ચલે તો સાલ કે પહેલે દિન અચ્છી બોની હોની ચાહીએ ભાઈ. હોગી સેઠ જી, બોની હોગી ઓર વો ભી ધમાકેદાર હોગી. દેખો સેઠ જી, હો ગઈ બોની. આઈ આઈ ભાઈ સાહેબ, આઈ આઈ. નમસ્તે નમસ્તે ભાઈ સાહેબ, ગડા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મેં આપકા સ્વાગત હૈ. બતાઈએ ક્યા દિખાઉં? ટીવી, ફ્રિજ, વોશિંગ મશીન, સ્પીકર, મોબાઈલ ફોન. મેં યહાં કુછ ખરીદને નહીં આયા હું સેઠ. તો? મેં તો દિવાળી માંગને આયા હું. રોજ સુબહ જો કચરા ઉઠાને ટ્રક આતી હૈ ના, મેં ઉસકા ડ્રાઈવર હું. અચ્છા, લેકિન હર સાલ તો દિવાળી લેને કરશન ભાઈ આતે હૈ. 7-8 મહિને પહેલે વો રિટાયર હો ગયે. અચ્છા, અબ સફાઈ કા ટ્રક મેં ચલાતા હું. યે દેખિયે મેરા કાર્ડ. બાબા, હા નહીં ઠીક હૈ, કોઈ બાત. સાહેબ, હમ લોગ 3 લોગ હૈ. હા તો તુમ્હારા લેકે જાઓ, ઉનકો ભેજો, ઉનકો ઉનકા દે દુંગા. હા ક્યા સાહેબ, વિશ્વાસ નહીં હૈ, વો દોનો અલગ એરિયા મેં ગયે હૈ. ચાહીએ તો મેં ફોન પે બાત કરા દું આપકો. સેઠ જી, દે દીજીએ ના, યે બિચારા ટ્રક ચલાતા હૈ ઓર દૂસરે દો આદમી હૈ વો ડસ્ટબિન ટ્રક મેં ખાલી કરતે હૈ. હા વો તો પતા હૈ મુજે ભાઈ. ચલો ઠીક હૈ, હેપી દિવાળી. હેપી દિવાળી ભાઈ, હેપી દિવાળી. आप सिर्फ ये सोचिए कि कस्टमर आएंगे और बोनी होगी तो बोनी जरूर होगी. देखिए मैं कैसे सोच रहा हूँ, कस्टमर आएंगे बोनी होगी, कस्टमर आएंगे बोनी होगी. आ गए कस्टमर. आइए मैडम, आइए. नमस्ते नमस्ते बहन जी, बताइए क्या दिखाऊं? टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन. नहीं नहीं, मैं तो दिवाली की बख्शीश लेने आई हूँ. अभी आप कौन है? मैं सफाई कर्मचारी हूँ. अरे अभी सफाई कर्मचारी दिवाली लेते क्या बहन? वो अलग विभाग है साहब, वो कचरा उठाने वाला ट्रक चलाता होगा और मैं सफाई करने वाली, हमारा काम अलग अलग है. माफ करना बहन, लेकिन मैंने कभी आपको यहाँ साफ सफाई करते हुए देखा नहीं है. कैसे देखोगे साहब, मैं तो सुबह 7 बजे आती हूँ, तब दुकान बंद होती है. अच्छा अच्छा, थैंक यू. हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली. Okay, ये क्या सच में सुबह 7 बजे आकर साफ सफाई करते हैं? करते ही होंगे सेठ जी, हम तो सुबह 9 बजे दुकान खोलते हैं. सेठ जी, आते जाते मैंने इनको 2-3 बार देखा तो है. डोंट वरी सेठ जी, दिवाली गलत हाथों में नहीं गई. और वैसे भी बेचारे साल में एक ही बार तो दिवाली मांगने आते हैं, आपने दिवाली दी तो कितने खुश होकर गए. अब भाई वो तो खुश होकर गए, लेकिन मेरी खुशी का क्या, नए साल के पहले दिन अभी तक बोनी नहीं हुई है. आगे सेठ जी, आगे कस्टमर आ गए. आइए आइए. नमस्ते 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 नमस्ते. बताइए क्या दिखाऊं? टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन, स्पीकर. नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो दिवाली लेने आया हूँ. आप अभी कौन है? मैं पोस्टमैन. लेकिन अभी कहाँ कोई किसी को खत पत्र लिखता नहीं है, भेजता नहीं है.
इतना काम रहता है आपको? क्या साहब, मैं हर महीने आपका बैंक का स्टेटमेंट, चेक बुक, बीमा पॉलिसी और डिविडेंड के चेक, ये सब मैं तो देके जाता हूँ आपको। तो आप एक ही है कि आप भी कोई तीन चार लोग है? नहीं, हम है तो चार लोग, पर सबको अलग अलग देने की जरूरत नहीं है। जो आप खुशी खुशी देंगे हम आपस में बांट लेंगे। ये लो 400 है, सब 100-100 ले ले। थैंक यू थैंक यू। आपको अच्छी अच्छी खबरें मिलती रहे, ऐसी पोस्ट ऑफिस तरफ से आपको शुभेच्छा। थैंक यू भाई। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। वाह सेठ जी वाह, आपका दिल तो दरिया है। हाँ भाई, लेकिन अभी यह दरिया धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। ऐसे ही सबको मैं दिवाली देता रहा तो शाम तक तो गले में से पैसे निकलने की जगह पे जेब में से पैसे गले में डालने पड़ेंगे। नहीं सेठ जी, शुभ शुभ बोलिए, आएगी जरूर बोनी। लो आ गई, आ गई। आइए, नमस्ते, गडा इलेक्ट्रॉनिक्स में आप भाई। अभी आप कौन से डिपार्टमेंट से है? एचआर डिपार्टमेंट। ये कौन सा डिपार्टमेंट है? ये तो मुझे भी नहीं पता है सेठ जी। तो भाई ये कौन सा डिपार्टमेंट है? हर बड़ी कंपनी में एक एचआर डिपार्टमेंट होता है। ये डिपार्टमेंट अच्छे अच्छे एम्प्लॉय को कंपनी के अंदर रिक्रूट करती है। वो जो भी है तो आप अपनी कंपनी से दिवाली मांगो भाई, हम क्यों दिवाली दे? मैं आपको दिवाली मांगने वाला लग रहा हूँ? दिमाग खराब हो गया क्या आपका? देखिए, मैं अपने घर के लिए एक होम थिएटर सिस्टम खरीदने आया हूँ। सॉरी 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 भाई साहब, सॉरी, आप बुरा मत लगाना, माफ मा, 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 कर दीजिए। तो क्या आपके पहले तीन चार लोग लाइन से दिवाली लेने आए ना, तो आपको ऐसा लगा कि मैं दिवाली मांगने वाला हूँ? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी भाई साहब, सॉरी, माफ कर दीजिए, सॉरी सॉरी। अरे वाका, इनको लेटेस्ट मॉडल आया ना, वाका चुकी कंपनी का, वो दिखा। और भाई साहब आप बोलिए, क्या पियेंगे, चाय कॉफी, क्या मंगाऊं आपके लिए? बिल्कुल नहीं, फालूदा, फालूदा मंगाऊं, बहुत बढ़िया फालूदा मिलता है यहाँ पे। नहीं, ठीक है। और भाई साहब, आज साल के पहले दिन आप हमारे पहले कस्टमर है, इसलिए मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट दूंगा। आइए, ये देखिए, वाह सेठ जी वाह, नए साल की शुरुआत तो धमाकेदार हुई। हाँ सेठ जी, आधे दिन में ही पूरे दिन की कमाई हो गई। अरे भाई ज्यादा मत बोलो, कहीं ऐसा ना हमको हमारी नजर लग जाए। जो हो रहा है चुपचाप देखते रहो और भगवान का मन ही मन आभार मानते रहो। सेठ जी, आपने सबको खुशी खुशी दिवाली दी तो उन सबके आशीर्वाद आपको मिले, इसीलिए आज का धंधा एकदम धमाकेदार हुआ है। धंधे को लग गए हैं चांद चार, और मंदी को दिया है हमने पलटवार। अगर इसी तरह चलता रहे व्यापार, हाँ तो बढ़ता रहेगा एक दूसरे से प्यार। लाल सनेडो 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 लाल सनेडो 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 लाल सनेडो 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 लाल सनेडो सनेडो सनेडो। हमेशा मुसीबतों के जाल में घिरे रहने वाले मेरे परम मित्र जेठाल, लेकिन लगता है इस बार किस्मत ने उनपे तरस खा लिया, और किस्मत ने तरस खाते हुए उन्हें परेशान न करते हुए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की बोनी बहुत अच्छी करवा दी। उसका कारण है जेठाल की दी हुई बख्शीश। तो इस वक्त तो खुशियां बरस रही है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में, बड़ा ही खुशनुमा माहौल है गोकुलधाम सोसाइटी। लेकिन चीटी के जिस दिन सींग उग जाए तब आप समझिएगा कि गोकुलधाम में हंगामे न हो, न तो कभी वहां सींग उगेंगे, यहाँ हंगामे कभी खत्म नहीं होंगे। इस वक्त तो त्योहारों का मौसम है, आप भी त्योहारों का मजा उठा रहे हैं, तो त्योहारों के मौसम में ये जो हंसी का समंदर है इनकी लहरों में आप भीगते रहिए, और यहाँ जितने अधिक त्योहार उतनी अधिक मस्ती। अब नए हंगामे क्या होते हैं ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बस देखते रहिए, हंसते रहिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.